प्रतेश क्या मतलब होता है आपके नाम का गोबर खरीद कर सरकार करती क्या है और ऐसी कुछ फिल्में जो आपको लगता होगी हमें भी देखनी चाहिए पिछले एक साल की पीवीटीजीस क्या होते हैं तो क्या भारत बुली कर रहा है मालदीव्स को कोई एक ऐसी फिल्म का एग्जांपल दीजिए जिसमें नग्नता तो हो और अश्लीलता ना हो मैं कहूं सर जी आइए बैठिए बैठिए सर सर नमस्कार नमस्कार थैंक यू तो आप हैं प्रीतेश सिंह राजपूत जी सर प्रीतेश क्या मतलब होता है आपके नाम का सर का मतलब होता है प्यार का देवता प्यार का देवता जी सर यानी काम देव जी सर अच्छा बड़ा सुंदर नाम है आपका थैंक यू सर तो प्रदेश बाकी बताइए आपके परिचय में क्या क्या खास बातें हैं सर मैं मुंगेली जिला से हूँ छत्तीसगढ़ राज्य से जी सर मैंने ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किया है अच्छा जी सर सर मेरे पिताजी एग्रीकल्चर में और मेरे माता जी गृहणी है आ, सर वर्तमान में मैं डिप्टी कलेक्टर के पद में एम जिला में पदस्थ हूँ एम जी सर जिले का नाम है जी सर इन्फॉर्म किया है इसकी सर भरतपुर तीन सब भरतपुरवार को मिलाकर बनाया गया है अच्छा जिले का नाम अलग नहीं रखा तो तीनों को मिला दिया जी, जी सर। अच्छा सर मेरा छत्तीसगढ़ी और और बनाना। डिशेज बनाना डिशेज बनाना चत्रियाड़ी जी छत्तीसगढ़ी व्यंजन पकाते हैं और साथ में आप देखते हैं वेब सीरीज जी सर और फिल्में जी पिछले एक साल में जो सबसे अच्छी फिल्में आई दुनिया भर में अंग्रेजी में हिंदी में ऐसी पांच फिल्मों के नाम बताइए जैसे ओपन हाइमर तो आपने देखी होगी जी सर ओपन हेमर देखा देखिए जी सर और ऐसी कुछ फिल्में जो आपको लगता होगी हमें भी देखनी चाहिए पिछले एक साल की सर अभी मैं ज़्यादा देख नहीं पाया तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा ओपन हाइमर में दो महत्वपूर्ण बातें हमें जो लगी एक ये कि उस उसमें गीता का इस्तेमाल हुआ गीता के दर्शन का तो मुझे बताएं कि गीता के दर्शन की क्या भूमिका रही ओपन हाइमर के जीवन में और दूसरा एक डिस्प्यूट भी रही उस फिल्म को लेकर भारत में वो क्या डिस्प्यूट थी सर ओपन हाइमर जैसे गीता गुण को पढ़ के एक शांति का अनुभव होता था उनको जो मन विचलित होता था वो शांत हो जाता था सर और एक नई नई जानकारी मिलती थी आ, सर जो डिस्प्यूट था जो सीन के जो पहले जो गीता का जिक्र होता है उसमें उससे पहले जो सीन था वो थोड़ा सा अलग टाइप था इस कारण उसमें विवाद का प्रसंग था अलग टाइप क्या होता है अलग मतलब टाइप था उसमें तो बोलिए स्टील था संकोच कर रहे हैं जी सर अच्छा इस वजह से विवाद हुआ जी सर ओपन हाईमर का जो गिल्ट था जिस गिल्ट का समाधान उसको गीता में मिला जी सर पूरे मानवीय इतिहास में या भारत के इतिहास में ऐसा गिल्ट और किस किस को हुआ और उसकी शांति या सुकून की तलाश उन्होंने कैसे की क्या ऐसी अपराध भावना कोई और प्रसंग आप सोच पा रहे हैं इतिहास में सॉरी अच्छा, अशोक से आप जोड़ सकते हैं इस कहानी को जी सर कैसे सर अशोक जब कलिंग युद्ध लड़ते हैं तो वहाँ लगभग एक से डेढ़ लाख लोगों का मृत्यु होता है तो उस दृश्य को देख कर उनके मन विचलित हो जाता है जिसके कारण वो बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं एक तो मैं ये भी पूछूंगा कि आपने एग्रीकल्चर विषय क्यों नहीं लिया पर बाद में पूछूंगा पहले ये बताइए क्या आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में कोई ऐसी रचना है जिस रचना की शुरुआत इस गिल्ट से ही हुई हो जैसा का गिल्ट है सर राम की शक्ति पूजा है उसमें त्रिपाठी जी का निराशा दिखाया गया है उसमें गिल्ट है तो नहीं है और सोचिए कोई और रचना अच्छा मैं बताता हूँ कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की मूल पृष्ठभूमि क्या है कहाँ से शुरू हुई वो रचना आप जानते हैं कुरुक्षेत्र क्या है जी सर दिनकर ने जो लिखी है पुस्तक जी जी सर किस बैकग्राउंड पे है क्या मूल समस्या उस रचना की सॉरी सर अभी मैं अभी ध्यान नहीं है ना कोई बात नहीं ठीक है मैं आपसे फिर पूछूंगा सर आप थैंक यू सर रितेश जी सर कृषि से आपका संबंध है पारिवारिक तौर पर और कृषि इंजीनियरिंग आपने पढ़ी भी है जी सर जो पिछले वर्ष बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ में उसमें कृषि के लिए क्या क्या प्रावधान गए सर सबसे बड़ा उसमें था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलते है वहाँ तो उसके लिए लगभग आठ हज़ार करोड़ रुपए का बजट लोकेशन किया गया था सर दूसरा कृषि मिशन योजना पर जो प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए गया था आ, सर तीसरा था उसमें एक गौठान योजना चलता है जिसमें गोधन न्याय योजना करके चलाया जाता है उसके लिए बजट किया गया था सर आ, सर चौथा था वहाँ एक छत्तीसगढ़ी भाषा में है नरवा गरवा गुवा बारी योजना उसके बारे में किया गया था आपको लगता है कि ये सब किसानों के लिए वाकई लाभप्रद कार्यक्रम थे सर जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसमें सब्सिडी के रूप में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाता है तो वो एक लाभप्रद था सर दूसरा जो गोधन न्याय योजना था उसमें जो गोबर के खरीदी किया जाता था वो भी एक कहीं ना कहीं एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सशक्त किया है और जो नरवा गरवा घुर बाड़ी योजना है वो छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति था पुराने प्राचीन संस्कृति उसको फिर से समृद्ध करने के प्रयास किया गया था गोबर खरीद कर सरकार करती क्या है सर उसको समिति के द्वारा जैविक खाद बनाया जाता है फिर उसको पैकिंग, पैकिंग, पैकिंग करके उसको बेचा जाता है मार्केट में समिति द्वारा मतलब किस संस्था द्वारा सर जो गोठान रहते हैं उसमें प्रत्येक गोठान में एक एक समिति बनाया गया है गोठान सम... क्या होता है सर जो गायों का रखने के लिए रहता है उसको गोठान बोला जाता है ठीक है तो एक समिति के नेतृत्व में रहता है जी सर और उस समिति को सरकार से कोई भत्ता मिलता है जी सर कितना आ, सर दस हजार रूपए प्रति माह जी सर अच्छा उसमें कितने सदस्य होते हैं आ, सर मिनिमम दस रहना चाहिए उससे ज्यादा रह सकते हैं ठीक है तो प्रति व्यक्ति लगभग एक हजार रूपये मिलता है जी सर और एक गोठार में कितनी गाय रहती है आ, सर ऐसा फिक्स नहीं रहता है लेकिन कम से कम पचास या पच्चीस के आस रहना चाहिए अलग अलग एरिया जैसे शेड्यूल एरिया में कम रहते हैं तो उधर का लिमिट कम रखा गया है बाकी जगह ज्यादा रखा गया ठीक है कुल बजट कितना था पिछले साल जो छत्तीसगढ़ का कुल बजट पेश किया गया उसमें आ, सर लाख लाख करोड़ पक्का जी सर गड़बड़ तो नहीं नहीं हो रहा है? नहीं, सर पक्का कुल बजट बज़े, कुल बजट में आपने क्या क्या रकम शामिल किया है कुल व्यय और कुल प्राप्ति को जोड़ दिया जी सर अच्छा ठीक है नहीं, सिर्फ कुल कुल व्यय बताइए कितना था सर अभी तो याद नहीं कर कोई बात नहीं ठीक है अब ये बताया कि बजट जो था उसमें राजस्व अधिशेष की स्थिति थी कि राजस्व घाटे की स्थिति थी सर राजस्व अधिशेष की स्थिति थी अच्छा लगभग चार हजार करोड़ के आसपास ठीक है तो ये भारत का एकमात्र राज्य है राजस्व अधिशेष है अन्य राज्यों में भी है सॉरी सर इसके बारे में तो इसके बारे बारे में में तो आपको ज्यादा जानकारी नहीं है ठीक है ये बताए कि छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार में कितने मंत्री हैं सर अभी एक ही एक ही मंत्री हैं कौन श्रीमती रेणुका सिंह कौन सा मंत्रालय है सर याद नहीं कर पा रहा सॉरी ठीक है मेरा अंतिम प्रश्न है प्रत्येक भारत सरकार का व्यापार इधर हाल फिलहाल में कई तेज है भारत सरकार नहीं भारत भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ा है जी सर और आ, जो सबसे बड़े व्यापारिक देशों की सूची थी उसमें भी कुछ परिवर्तन आया है जी सर कौन सा देश अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है सर सबसे पहले नंबर में है अमेरिका सर दूसरे में है चाइना और तीसरे में है सर यू ए धन्यवाद थैंक यू सर प्रतीश आप कृषि इंजीनियर हैं जी सर फूड प्रोसेसिंग और क्रॉप प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है सर क्रॉप प्रोसेसिंग में जो क्रॉप लेते हैं उस आ, वो उसमें फसल के साथ रहता ही है उसे सर जैसे बोला जाता है कि धान के साथ उसमें जो छिलका रहता है उसको निकाले जाना क्रॉप प्रोसेसिंग कराता है ठीक है लेकिन जब फूड में जो रहता है उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है जैसे टमाटर का कैचअप बना देते हैं तो उसको फूड प्रोसेसिंग है। करते हैं तो क्रॉप प्रोसेसिंग की कुछ तकनीकों का नाम बताएं जो भारत में इस्तेमाल होती है कुछ मशीन का नाम बताएं जी सर सर जैसे कि हॉलर मिल रहा है जो धान के लिए यूज किया जाता है सर थ्रेसर भी उसमें ले सकते हैं जो आ, उसको पेडी को अलग करते हैं सर सर वही दो ही याद कर चलिए सोइल मैकेनिक्स क्या होता है आप पढ़ते होंगे इसके बारे में जी सर तो क्या है सोइल क्या पढ़ते हैं आप सर सोइल मैकेनिक्स में जो सॉइल का जो लेयर रहता है उसमें कौन कौन से है उसमें कौन कौन सा मिनरल्स है उसके बाद उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है कौन सा मिट्टी का कड़ कितना कितना बड़ा है अगर वाटर के साथ तो उसका रिएक्शन होता है हो इसी क्या? कंटेक्स्ट में एक न्यू मार्क इन्फ्लुएंस चार्ट यूज़ करते हैं इसमें पढ़ा आपने इसके बारे में सॉरी सर इसके बारे में तो नहीं पढ़ा वेस्टर गार्ड टेक्निक नहीं सर नहीं पढ़ा कोई नहीं अभी हमारे मिट्टी में इन जनरल भारत में एन पी के रेशियो कितना है चल रहा है सर अभी टेन रेशियो फाइव रेसियो टू के आसपास है सर और कितना होना चाहिए सर फोर रेश रेशन होना चाहिए बहुत अच्छी बात है भारत सरकार ने कुछ वर्ष पहले स्वास्थ्य जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसको लॉन्च किया था जी सर उसे लगभग आठ नौ साल तो हो गए हैं जी सर तो क्या हम ये माने कि वो जो योजना है वो सफल नहीं रही क्योंकि हमने अभी तक एन पी के रेशो को कंट्रोल नहीं किया है जी सर तो मुझे बताएं कि क्या कारण है कि जो स्वास्थ्य कार्ड हमने लॉन्च किया जी सर इससे अभी तक एन पी की रेशियो हमारा बहुत ही डैमेज है सर एक मुझे लगता है प्रोसेस से धीरे धीरे कम होगा क्योंकि उन्नीस के बाद से ही ये जो रेशियो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है और अभी बढ़ के इतना बढ़ गया है सर बारह करोड़ बांटा गया है सर उसमें सर जो किसान रहते हैं उनको कार्ड तो दे दिया जाता है लेकिन उसका आगे इम्प्लीमेंट में जो समीक्षा किया जाना चाहिए चाहे किसान उसका लाभ उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं या उसके अनुसार किसान अपने खेतों में जो उर्वरक है वो डाल रहे हैं या ज़्यादा डाल रहे हैं इसकी समीक्षा नहीं हो पा रही है जिसके कारण ये कम नहीं हो पा रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है समीक्षा करने की सर सबसे पहले जो प्रशासक है उनके दूसरा कृषि विभाग जो उनको दे रहे हैं और सर तीसरा जो ग्राउंड लेवल में एक आर करके रहते हैं सर छत्तीसगढ़ में उनका है वो ही लोग बना देते हैं सर उनका तो ठीक है ये बताइए कि जब केंद्रीय स्तर पर कोई तकनीक विकसित होती है जी सर तो गाँव के स्तर पर उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी किन किन संस्थाओं पर होती है सर सबसे पहले जो निर्देशालय रहता है उनके पास रहता है उसके बाद जो जिला स्तर में उनके इकाई रहते हैं उनके जो उसका नाम क्या है सॉरी सर संस्था का नाम क्या है जिला स्तर सर जिला स्तर स्तर में मंत्रालय के सारे विभाग रहते हैं चाहे वो कृषि विभाग रहे महिला विभाग रहे या ग्रामीण विकास विभाग रहे एक संस्था है आत्मा ए टी एम है जी सर क्या करती है सर जितना मुझे जानता हूँ मैं सर जो कृषि के बारे में जो प्रशिक्षण रहता है जो योजनाएं रहती हैं किसानों को उनसे अवगत कराते हैं आत्मा के द्वारा तो उसके लिए वो क्या करती हैं घर घर जाती हैं कोई सेमिनार करती हैं क्या करती हैं तो उसके लिए सेमिनार करती हैं उसमें आ, सर जो हमारे विश्वविद्यालय है वहाँ आत्मा के द्वारा सेमिनार भी होता है उसमें कृषकों को बुलाया जाता है तो किसान पहुँचते हैं वहाँ पर विश्वविद्यालय जी सर उसके बाद क्या होता है सर उनको बताया जाता है कि कैसे करते हैं उनको बुकलेट्स के साथ साथ एक अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है जैसे कि पावर पॉइंट प्रे, प्रेजेंटेशन के द्वारा भी बताया जाता है साथ में ये भी दिखाया जाता है कि केवल बताए जाने से क्या परिवर्तन आएगा उन्हें पैसा मिलना चाहिए लोन मिलना चाहिए जी सर तो इस दिशा में क्या काम हो रहे हैं सर इसके लिए जैसे लोन के लिए के दिया जा रहा है सर किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण दिया जा रहा है साथ में योजनाएँ भी चला रहे हैं जिसमें सब्सिडी भी दिया जा रहा है और उनके मार्केट के लिए ई नेम एम जैसे योजनाएँ भी चलाई जा रही है ई नी तो अलग चीज़ है जी सर इसमें कैसे लिंक कर दिया आपने रो तो वो मार्केट के तो लिए चलिए थैंक यू थैंक यू सर जी ये बताइए कि पी क्या होते हैं मैम पी वी पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो डेवर आयोग के द्वारा उन्नीस पचहत्तर में स्थापित किया गया था ठीक है तो जो ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो भी कार्य हो रहे हैं जी है ना उसमें और इन्वायरमेंट में एक कैसे समन्वय स्थापित किया जाए कैसे एक बैलेंस क्रिएट किया जाए कि डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को भी हमारे जो ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट वेलर्स हैं उन्हें भी हम प्रोटेक्ट करके रख सकें मैम इसके लिए सतत विकास का जो ध्येय है उसके साथ हम चल सकते हैं जिसमें हम विकास की परिभाषा को पर्यावरण के साथ लिंक कर सकते हैं जैसे भी हम विकास बस बोलते हैं उसको विकास के साथ पर्यावरण विकास सह पर्यावरण के के एक योजना बना सकते हैं जिसमें जो ट्राइब्स रहते हैं अगर उनको विस्थापित किया जाए तो ये सबसे पहले देख लिया जाए कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में कितना कास्ट हमारा ज्यादा हो रहा है कितना बेनिफिट हो रहा है अगर लगता है कि अगर अंतिम बिंदु में लगता है कि हमको विस्थापित किया जाना चाहिए तो उनको विस्थापित एक साथ किया जाना चाहिए जिनके से उनकी संस्कृति भी बना रहे साथ में विस्थापित करें तो उनको हर तरह की सुविधा दिया जाए जैसे कि उनको अकेलापन या देश देश निकालने टाइप फीलिंग ना आए चाहिए जो ट्राइबल इश्यूज हैं क्या सभी जगह के ट्राइबल्स के इश्यूज एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं मैम अलग अलग इश्यूज होते हैं जैसे जैसे मैम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो बस्तर में जो ट्राइबल रहते हैं उनकी अलग इशू है साथ में जो सरगुजा में ट्राइबर रहते हैं उनके अलग क्या इशूज हैं उनके मैम जो बस्तर में रहते हैं उन, उनका जो जल जंगल जमीन है वो ऐसा छीना जाता है ऐसा उनका इशू रहता है मेन मेन इशू रहता है साथ में जो बाहरी व्यक्ति आके उनका शोषण करके आता है ये इशू रहता है वही सरगुजा के जो जनजाति है उनके मुख्य धारा में जुड़ने के साथ साथ उनके जो विकास में जो रहता है आवास की साथ में सड़क की और शिक्षा इन इसकी मांग ज़्यादा करते हैं ठीक है कोप ट्वेंटी एट में इंडिजिनस जो ट्राइब हैं और खासकर जो महिला हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करने के लिए सुना है आपने क्या ये। है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो जो जंगलों के जो उत्पाद से बना जाता है वो प्राया साथ में जो कृषि रेसिड्यू रहता है साथ में जो घर के रेसिड्यू रहता है, है, तो से, है या अलग अलग होते हैं हम कहते हैं वो, वो फर्टिलाइजर दोनों सेम है या अलग होते हैं है? मैम अलग अलग होते हैं उनको जो बनाने के तरीके हो वो अलग अच्छा जैसे कोई एग्जाम्पल मुझे बताइए राइजोबियम जो है वो एक फर्टिलाइजर में आएगा या मेन्योर में आएगा मैम वो अच्छा कोई बात नहीं आप देख लीजिए कोई बात नहीं है आ, आपने लिखा है कि आप कुकिंग भी करते हैं है ना छत्तीसगढ़ी डिशेस तो कोई बताइए कौन सा डिश बनाते हैं आप मैम जैसे भी मैं नाश्ते के तौर तो में चीला और फरा का बनाता हूँ तो ये मिलेट का क्या यूज है मिलेट को पीपल्स मूवमेंट कहा जा रहा है क्यों पीपल्स मूवमेंट कह रहे हैं मैम जो मिलेट्स है उसमें जो पोषक तत्वों की रह, रहती है वो है वो बहुत ज्यादा रहता तो इसको तो विमेन्स मूवमेंट मूवमेंट क्यों क्यों नहीं कह देते पीपल्स ज्यादातर तो महिलाएं लगी हुई है इस तरह के कामों में खासकर मिलेट की प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही टीडियस होती है जी, लंबी प्रोसेसिंग होती है जी जी और उसमें महिलाएं ज्यादा लगी रहती है जी, तो इसे हम विमेन्स मूवमेंट कह देते पीपल्स मूवमेंट क्यों कह रहे हैं मैम अगर विमेन्स बोलते तो एक महिला प्रधान हो जाता हो जो कि उसको हम लोग एक जनप्रधान बनाने की कोशिश कर रहे है। जन्द, हैं जनता जनता के द्वारा उसको मूवमेंट देना चाहते हैं इसलिए इसको पीपल्स मूवमेंट बोला जा रहा है अच्छा ठीक है थैंक यू थैंक यू तो प्रीतेश जी सर अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हम एक छोटा देश हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ा देश हमें बुली करे जी जी ये किस देश के राष्ट्रपति ने कहा है और उनका इशारा किस तरफ है सर मालदीव के राष्ट्रपति मोहिजू जी द्वारा कहा गया है और उनका इशारा भारत की तरफ था तो क्या भारत बुली कर रहे मालदीव को सर मुझे नहीं लगता कि बुल कर रहा है लेकिन उनके जो प्रधान राष्ट्रपति जी है वो इस सेंस में बोला गया उनको लग रहा है कि बोली किया जा रहा है अच्छा ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है सर मालदीव में लगभग सत्तर से अस्सी सैनिक वहाँ वहाँ सेवाएं दे रहे हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए एक राजनीतिक मूवमेंट चलाया जा रहा है तो भारत को इसमें क्या आपत्ति है अगर मालदीव्स कह रहा है कि आप अपने सैनिकों को वापस बुला लीजिए तो हमें क्यों आपत्ति है आ, सर भारत की आपत्ति है कि जैसे भारत की बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी एक मुद्दा बनेगा साथ में भारत के जो हिंद महासागर में चाइना का जो एक्टिविटी है वो बढ़ने की संभावना हो जाएगी अच्छा अभी हाल ही में ये रेमिशन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है क्या होता है रेमिशन सर रेमिशन एक ऐसी विधि है जिसमें उनके जो सजा रहता है उसको कम अवधि की कर दी जाती है अच्छा ये आ, बता सकते हैं कि कहाँ इसका वो है संविधान में उल्लेख कौन से आर्टिकल्स में? जी आ, सर इसमें एक सेवेंटी टू है राष्ट्रपति जी को प्राप्त है और साथ में वन सिक्सटी वन है सर, सर जी, हाँ, राज्यपाल को प्राप्त जी, है और इसके अलावा क्या सीआरपीसी में जी सर सी आर पी सी का कौन सा सेक्शन है सर मैं याद नहीं करूँगा सर चार सौ पैंसठ है चलिए आप देख लीजिए कोई बात नहीं आ, इसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन भी न्यूज में रहा है और इलेक्शन कमीशन में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जी जिसमें कि एक कमेटी को गठित किया गया था जिसमें कि तीन लोग थे जी सर और वो सजेशन देंगे उसके अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा जी सर इसके बाद सरकार ने एक कानून लेकर आई है जिसमें कि इस कमेटी में थोड़ा सा बदलाव किया गया है जी सर तो क्या बदलाव किया गया है और आपके हिसाब से कौन सी कमेटी ज़्यादा अच्छी थी या मतलब ट्रांसपेरेंट थी गवर्नेंस के लिहाज से जी सर सर उसमें चेंज करके जो आ, किया गया उसमें तीन तीन सदस्यीय कमेटी बनाया गया है जिसमें पहले में प्राइम मिनिस्टर जी रहेंगे दूसरे में जो आ, आ, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता रहेंगे वो या फिर जो सबसे बड़े दल के नेता के ठीक है अध्यक्ष रहेंगे और सर तीसरा जो प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा जो नॉमिनेटेड व्यक्ति रहेंगे मिनिस्टर उनके कैबिनेट मिनिस्टर और सर जो पहले था उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट होते उनके जगह सी जी आई साहब तो क्या बेहतर था आ, सर इसमें तो अगर पारदर्शक पारदर्शिता के साथ देखा जाए तो जो सी जी आई थे वो समिति ज्यादा बेहतर थी लेकिन आ, सरकार के पास एक अधिकार है कि वो कानून बना सकते प्रीतिश आप छत्तीसगढ़ से आते हैं मुझे ये बताइए कि राम वन गमन टूरिज्म सर्किट क्या है सर छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ राम के जो राम जी के जो आ, उनके स्थल है उनको चिन्हांकित कितने स्थल हैं ये सर अभी तो नाइन किया गया है अच्छा और ये बताइए कि जो श्री राम है उनका क्या कनेक्शन है छत्तीसगढ़ से क्या माना जाता है सर ऐसा माना जाता है कि राम जी का जन्म चंदकुरी जो रायपुर के पास है वहां पास हुआ था तो उनके एक ननिहाल के रूप में देखा के रूप में ठीक है Uh, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि छत्तीसगढ़ uh, से के बारे में एक और घटना सामने आई जिसमें यह था कि एक गवर्नमेंट uh, ऑफिशियल का मोबाइल फ़ोन जो कि उन्होंने नया नया खरीदा था जी जी। और महंगा मोबाइल फ़ोन था वो एक रिजर्वा में गिर गया जी सर और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने करीब करीब 4.1 मिलियन लीटर्स पानी बहा दिया जी सर और इसके बाद उनपे फिफ्टी थ्री का फाइन लगाया गया जी सर आपके हिसाब से क्या ये फाइन सही है इससे सही सिग्नल दिया गया है या नहीं सर जो कि जो वाटर का कॉस्ट जो अभी क्राइसिस चल रहा है जिस हिसाब से आगे एक संभावना है कि संकट बढ़ सकता है उस हिसाब से वाटर को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए सर चूंकि एक सिंचाई विभाग के द्वारा एक एस्टिमेट बना के उसको दिया गया था इसलिए सर इस बात में तो सही लग रहा है कि वो उसका जो दिया गया था वो कास्ट सही था मतलब फाइन सही है आपके है जी सर, धन्यवाद थैंक यू सर रीतेश ये बताओ कि वेब सीरीज की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चे गालियाँ देना सीख रहे हैं और जी सर बहुत अश्लीलता का प्रसार हो रहा है समाज में जी सर क्या आप सहमत है कि जैसे सेंसर बोर्ड फिल्मों के लिए है वैसे वेब सीरीज के लिए भी होना चाहिए सर अभी जैसे वेब सीरीज आ रहा है सर उसको देख के लग रहा है कि एक विनियामक संस्थान होना चाहिए लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि जो अभी ओ में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो कम ना हो पाए कैसे मतलब तो जैसे सेंसर आएगा तो आज़ादी कम तो हो ही जाएगी सर जैसे मूवी में भी थोड़ा कुछ ज्यादा सेंसरशिप लगाया तो उसको ध्यान से देखा जाता है उसमें कुछ इसमें लचीलापन लाया जा सकता है इसमें कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं हैं मान लीजिए किसी फिल्म में जी ये अपने आप में उचित है या अनुचित है सर अगर परिस्थिति और कैरेक्टर या कुछ समाज का अगर उस कैरेक्टर को उस हिसाब से दिखाया जाता है कि अगर बिना गाली दिए उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है तो सही है सर कोई एक ऐसी फिल्म का एग्जांपल दीजिए जिसमें नग्नता तो हो पर अश्लीलता ना हो क्योंकि अब शुरू में न्यूडिटी और जी, जी, जी तो अश्लीलता नहीं है सर तो नहीं कोई बात नहीं। मान अब हैं ही अपने इलाके में जी आपके सब डिविजन में अचानक के एक केस आया और पता लगा कि किसी लड़की का डीप फेक वीडियो बनाकर किसी ने वायरल करने का प्रयास किया है और जो वायरल हुआ है वो आपके सब डिविजन के ही एक गाँव के अंदर से हुआ है जी सर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है अभी एक घंटे पहले ये इश्यू हुआ है जी सर क्या करेंगे क्या क्या स्टेप लेंगे जी सर कैसे निपटेंगे सर चूंकि एक एक, एक आईटी नियम के अनुसार एक आईटी जो अधिनियम है उसके अनुसार एक अपराध है तो सर सबसे पहले इसके लिए मैं जो हमारे एस डी रहते हैं उनको सूचित करूँगा सर कई ऐसा ऐसा घटना हुआ है साथ में सर जिला में हर जिला में एक साइबर सेल रहता है साथ में वहाँ इन्फॉर्म किया जाएगा सर कि एक ऐसी घटनाएं है करके उसमें कोशिश किया जाएगा कि वहाँ से हट जाए सर करके आ, साथ में सर अगर कहीं वो ज़्यादा फैल रहा है तो एक अपने तरफ़ से एक वीडियो बना सकते हैं सर सोशल मीडिया फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ऐसा कुछ घटना को आ, जो न्यूज़ आ रहा है उसको अपनी तरफ से और फैलाने की कोशिश ना करें करके सर ठीक है प्रदेश बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके जा सकते हैं थैंक यू सर जी

तो प्रीतम आपकी एंट्री अच्छी है आपका बैठरी का स्टाइल बहुत अच्छा है आपकी ड्रेस भी अच्छी है हाथ में धागा बांधा हुआ है तो वहां उतार के जाएंगे अलाउड होता तो नहीं मेरे ख्याल अलाउड हो और उसके बिना मन ना माने तो कमीज के अंदर सवाल तो उस संभाल नहीं पाएंगे इंट्रोडक्शन ठीक दिया आपने हिंदी लिटरेचर में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे जी रिवाइज करते रहिए जितना समय है क्यों छोड़ें जी सर क्योंकि प्रश्न आया था कुरुक्षेत्र पे आपने कहा कि मुझे फिल्में और वेब सीरीज देखना पसंद है तो, मैं फिल्में। मैं। की की मैं तो है, मैंने पांच फिल्म बता दी भूल गया तो याद आ रहा। था, डंकी था हाँ बहुत सारी फिल्में है। जी सर मुझे याद नहीं आ रहा तो ओपन हाईमर फिर मैंने बोला फिर ओपन हाईमर से अपनी अशोक की तुलना की वही मैंने जब अशोक बताया तब हिंदी साहित्य में कुरुक्षेत्र उसी महाभारत के शांति पर्व है बोल गया था सर परेशान है कि हम जी पांच लोगों की असहिष्णा से लाखों लोग मर गए उसी गिल्ड से लिखा गया तो भी। है।, तो जब फिल्में कहा है ना तो आठ दस सोच के जी जी रहे सब चीजें उनकी तुलना आपस में इसके बाद वेब सीरीज के लिए सेंसर बोर्ड हो या ना हो वो ठीक है बहुत बीच बचाओ मत करो यार तुम थोड़ा आराम से आगे बढ़ के बैटिंग करो जी कि हाँ सर एक नियमक संस्था होनी चाहिए पर यह भी ध्यान रखने व्यक्ति की स्वाधीनता कम ना हो ऐसे कैसे होगा नियामक संस्था आएगी तो कुछ स्वाधीनता कम होगी वही कम करना है कि ना हो तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में आपको अंतर शायद कंफ्यूजन था हाँ, कन्फ्यूजन जबकि एग्रीकल्चर में बाकी आपका काफी अच्छी पकड़ है जी। आपकी पढ़ाई भी उसमें हुई है और अच्छी पकड़ भी है तिरपन हजार के फाइन वाले मामले में आप शायद प्रश्न का भाव समझ नहीं पाए सर का भाव था कि तेरे हजार का फाइन काफी था या कुछ साथ में जेल में दो चाहिए था। अच्छा। आपको डिपार्टमेंट तो तो हाँ। करके दिए थे कि इतना, तो इतना जुर्माना लगा दे करके फॉरेन ट्रेड अच्छा है बजट पे भी ठीक है इकोनॉमी आपका जनरल ठीक है कुल मिला के अच्छी हुआ था फैक्ट्स आपके अच्छे है ठीक है आप केवल मेरे वाले हिस्से में ज्यादा परेशान हुए एक तो आए थे बस आते ही हमला हो गया तो आप घबरा गए बाद में तो आपने संभाल लिया ठीक से और ये नग्नता अश्लीलता इन सब शब्दों को ना ऐसे यूज नहीं करने की लगे कि एक के बाद दूसरा तो यूज कर दिया हाँ। जैसे बैंडिट क्वीन एक फिल्म थी जी। वो फूलन देवी के बारे में थी हाँ। उस फिल्म में एक सीन है जिसमें वो एकदम नग्न है उसका रेप हुआ है रेप हुआ है पर उस सिचुएशन में किसी को ये फील नहीं होता कि कुछ अश्लील सीन बल्कि सोशल सेंसिटिविटी वहां पर जाती है, बहुत फिल्म है। हु, इसलिए अब साहित्य के विद्यार्थी ना साहित्य में इन चीजों के बारीक अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए जी। बाकी हमें लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं वन सेवेंटी फाइव वन आपका आज का स्कोर बन सकता है जी। और अगर आप न घबराएं वेब सीरीज के नाम थोड़े सोच के फिल्मों के नाम सोच के जाए और बढ़िया बोले तो है आपका लेवल फाइव प्लस का लेवल है जी तो ये कौन सा इंटरव्यू आपका पहला इंटरव्यू इंटरव्यूस का और दूसरा तो है सर तो खत्म करो यार जी सर छत्तीसगढ़ को बहुत जरूरत है ना जी चलिए शुभकामनाएं थैंक यू सर